जनपद पीलीभीत में ट्रक मालिक ही निकला ट्रक चोर। दरअसल एसपी पीलीभीत अतुल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया घटना का खुलासा। हमारे संवाददाता राजेश गुप्ता के साथ देखें ये रिपोर्ट। आपके द्वारा जो ये खुलासा किया जा रहा है, क्या है खुलासा, उसमें क्या कार्रवाई की गई? देखिए, ये एक 15 मार्च को हमारे पास ये थाना पूरनपुर से विनय कुमार मित्तल हैं, मुजफ्फरनगर के रहने वाले, इनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी कि इनका माल पंजाब से लखीमपुर आना था, जिसमें कि जो ट्रक सहित माल जो है वो गायब हो गया है, ड्राइवर का भी फोन नहीं मिल रहा है, जिस पर कि तुरंत हम लोगों ने मुकदमा अपराध संख्या 147/23 धारा 420-406 में हमने दर्ज करके, इसमें क्योंकि ये माल का जो इन्होंने बताया कि तकरीबन 15-16 लाख रुपये का माल था, तो इस घटना को संज्ञान में तुरंत लिया गया और इसमें थाना पूरनपुर SHO की टीम और SOG की टीम दोनों को इसमें लगाया गया जल्दी रिकवरी करने के लिए, जिसमें कि आज हमारे हाथ ये सफलता हासिल हुई है। SOG टीम को मुखबिर के द्वारा ये पता चला कि ये जो ड्राइवर था जिसका ये ट्रक था, जो कि इसका मालिक भी है, वो एक जगह पर है जहाँ पर दबिश दी गई, पकड़ा गया इसको। पकड़ने के बाद इससे जब जानकारी की गई तो इसने बताया कि इसी ने उस ट्रक को माल सहित कहीं अलग रख दिया है, तो उससे वो ट्रक की भी हम लोगों ने बरामदगी की है, माल भी पूरा रिकवर कर लिया है। और जिस ये जो माल जिस इसने जिस अपने चिर परिचित को बेचने के लिए सौदा किया था उसको भी हम लोगों ने पकड़ लिया है। ये तकरीबन दोनों की मिली भगत थी, साठगांठ करके इन्होंने वो माल को चोरी करके उसको सस्ते दाम में इनको बेच रहे थे, फायदा हो। इसमें दोनों के खिलाफ जो है चोरी की धाराएं बढ़ाते हुए आगे कार्रवाई हम लोग विधिक कार्रवाई आगे अमल में ला रहे हैं। इसमें हमारे पूरी टीम को मेरी तरफ से SOG की टीम को और थाना पूरनपुर की टीम को मेरी तरफ से इसमें ज़रूर इनके गुड वर्क पर आगे